जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। मैं हूं एसएस सेंगर और आज फिर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक धमाकेदार वीडियो को लेकर, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि फिजिकल के लिए किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें फिजिकल में कराई जाती हैं। साथ साथ में आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि एमपी पुलिस 2016 और 2017 की कट ऑफ को क्वालिफाइड करने के बावजूद भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कहां जाकर मेरा सिलेक्शन रुक गया था, उस चीज को भी हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर एक वैकेंसी से रिलेटेड बेहतरीन और सबसे सटीक जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बताते हैं हम आज के सेशन में कि क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएं बेटा, 2016 जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ क्या थी, उस कट ऑफ को हम बताते हैं। तो 2016 की कट ऑफ जो थी जनरल कैटेगरी की 63.59 थी, और मैं जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूं। वैसे तो रहने वाला यूपी से हूं और एमपी में जाता तो तब भी हम जनरल से क्वालिफाइड करना पड़ता हमें, और वैसे भी मैं जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड किया था क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूं। तो मुझे 63.59 नंबर लाने थे और मैं 68 नंबर लेकर आया था जिससे मैं क्वालिफाइड हुआ था। ठीक है, चले तो ये तो हम क्वालिफाइड हो चुके थे, और आपको फाइनल देखा जाए तो एक ही कट ऑफ बनी थी जिसको मैंने क्वालिफाइड किया था, 68 नंबर लेकर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ थी उससे ज्यादा नंबर लेकर आया था तो उसको मैंने क्वालिफाइड किया था। अब हम बात करते हैं साथ साथ में 2017 की जो कट ऑफ थी, तो 2017 की कट ऑफ जो थी वो 70.52 थी, और फाइनल कट ऑफ जो बनी थी तो फाइनल कट ऑफ जो थी वो 75.52 थी। अन्य कैटेगरी कट ऑफ आपके सामने रखी हुई है, अगर आप 2017 से अपना एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं कि 2017 में कट ऑफ ये थी, तो 2022 या 21 की जो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, वो भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आई बटन पर आप क्लिक करके मेरा कट ऑफ वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसको भी मैंने बनाया हुआ है तो उसको देख लीजिए और एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप उस स्कोर पर हैं तो फिजिकल की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते, क्या खास होता है जब आप रिटेन को क्वालिफाइड करते हैं और उसके बाद क्या करना होता है उसको हम आपको बताते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं कि जैसे आप रिटेन क्वालिफाइड करेंगे तो इसके लिए आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और वो फिजिकल क्या होने वाला है वो भी आप समझ लीजिए। तो बात करते हैं फिजिकल के लिए, उसमें आपको रनिंग करनी पड़ेगी। क्या रनिंग होगी, वो भी कितने की होगी, 800 मीटर की रनिंग होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, और वो भी कितने समय में, 2:45 में बच्चे, कितना 2:45 में रनिंग करनी होगी। 400 मीटर का राउंड होगा, राउंड ग्राउंड जो बना होगा बिल्कुल गोल ग्राउंड होगा, और उसके दो राउंड आपको लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, दो राउंड लगाने पड़ेंगे। अब विशेष चीज इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको जब दौड़ रहे हैं तो बहुत सटीकता से दौड़ना है, साथ साथ में आपके पैरों में जो है वो चिप लगा देगा, यहाँ पे एक नंबर लगा देगा कि जिससे आपको पता चलता रहे कि आप ये स्टूडेंट जो है वो इतने नंबर का है या कैंडिडेट इतने नंबर का है, और चिप बांध देगा आपके पैरों में जिससे आपको जो टाइमिंग है उसका उसको ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे आप फर्स्ट टाइम में उससे एक मैट बिछा दिया जाता है, उस मैट पे जैसे पैर रखेंगे तो आपकी टाइमिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आप उस पे मैट पे जो है पैर रखेंगे तो तुरंत उसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद आपको दो राउंड लगाना है, और दो राउंड लगा के जैसे उस मैट पे आप पैर रखेंगे तो आपकी टाइमिंग जो है क्लोज कर दी जाएगी, यानी आपकी टाइमिंग काउंट हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये सिस्टम था। और साथ साथ में ध्यान रखना, जब बेटे आप दौड़ रहे होंगे तो आपको किसी भी कैंडिडेट को बाएं तरफ से आपको उसको क्रॉस नहीं करना है, ध्यान रखना आपको हमेशा उसे दाएं तरफ से क्रॉस करना है। अगर आप बाएं तरफ से क्रॉस करते हैं तो हो सकता है कि वहां पे जो निरीक्षक लगे होते हैं वो आपको पकड़ के बाहर भी कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, बिल्कुल सटीकता से हमें सतर्क होके रनिंग करनी है। और रनिंग के लिए बात करें तो 2:45 में 800 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए है, अगर वही फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 मीटर है, वो 4 मिनट में टाइम दिया गया, 4 मिनट में क्वालिफाइड करना है उन्हें। इसके साथ साथ अगर एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, तो 800 मीटर के लिए 3:15 का टाइम दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अब यही बात करते हैं, इसको जैसे क्वालिफाइड करेंगे तो आप लॉन्ग जंप के लिए जाएंगे। कहां जाएंगे, लॉन्ग जंप के लिए जाएंगे, लंबी कूद के लिए जाएंगे। तो जिसमें मेल कैंडिडेट को बेटा 13 फीट क्या करना है, जंप करना है, फीमेल कैंडिडेट को 10 फीट जंप करना है, और एक्स सर्विसमैन को 10 फीट जंप करना है। इसके लिए बेटा आपको ध्यान रखना है कि 3 चांस दिए जाएंगे। कितने चांस मिलेंगे आपको, 3 चांस मिलेंगे,
अगर आप एक चांस में क्वालिफाइड नहीं कर सकते तो दूसरे चांस में क्वालिफाइड करिए, दूसरे चांस में क्वालिफाइड नहीं कर सकते तो तीसरे चांस में करिए, तीन चांस आपको मिलेंगे, लेकिन रनिंग में केवल एक ही एक चांस मिलता है और उसी में आपको क्वालिफाइड करना होता है, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। जैसे ही इसको क्वालिफाइड करेंगे तो फिर आपको गोला फेंक के लिए बुलाया जाएगा, यानी गोला फेंक के लिए भेज दिया जाएगा। हल्की हाल होते हैं, और ये हल्की हाल होने का मतलब यह है कि जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाइड करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और मिलने के बाद तुरंत आपको भेज दिया जाएगा, भैया जाइए आप लंबी कूद के लिए। जैसे लंबी कूद का रिजल्ट मिलेगा आपको तो उसके बाद तुरंत आपको भेज दिया जाएगा कहां, गोला फेंक के लिए। आ रही बात समझे? तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो करवाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आप गोला फेंक के लिए पहुंचेंगे तो आपका जो गोला फेंक होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, तो ध्यान रखें मेल कैंडिडेट को 19 फीट जो है वो फेंकना है और 7.260 किलोग्राम का गोला दिया जाएगा और उन्हें 19 फीट फेंकना होगा, ठीक है। चलिए, तो 19 फीट फेंकना है तो मतलब ये कि आपको थोड़ा सा जो है अनुभव करना पड़ेगा या उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये चीजें हो ही नहीं सकती बेटा, इस चीज को ध्यान रखें, प्रैक्टिस करनी होगी और अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आप यहां से बाहर ना हो, ठीक है, क्योंकि यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, मेल कैंडिडेट के लिए 19 फीट का गोला फेंकना है और कितना, 7.260 का होगा। इसके साथ साथ देखा जाए फीमेल कैंडिडेट को 15 फीट गोला फेंकना है और उसका वेट जो होगा वो 4 किलोग्राम का होगा, ठीक है, 4 किलोग्राम का। और एक्स सर्विसमैन को इतना ही गोला फेंकना है 15 फीट, और वो भी कितने का, 7.260 किलोग्राम का, ठीक है। ये क्या है, गोला फेंक हो गया, ठीक है। जैसे इसको क्वालिफाइड करेंगे तो आपको पूरा जो चीजें हो चुकी हैं, आपकी रनिंग हो चुकी है, आपकी देखा जाए लॉन्ग जंप हो चुकी है और इसके बाद गोला फेंक हो चुकी है, इसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, आप सारी चीजों में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप घर भेज दिए जाएंगे। इसके बाद फिर कॉल आएगा आपके लिए, किसके लिए, मेडिकल के लिए, किसके लिए, मेडिकल के लिए कॉल आएगा। तो मेडिकल आपका किसी भी जिले में करवाया जाएगा, जो भी वो सिलेक्ट करेंगे उस जिले में आपका मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल के लिए बात करें तो क्या स्थिति होने वाली है मेडिकल की, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मेडिकल में क्या होता है इसको समझे, मेडिकल में बेटा सबसे पहली बात तो देखा जाए तो आपका शारीरिक जो मेडिकल होता है वो चेक किया जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो ये चीजें भी यहां पे होती है, वो क्या है, जैसे हम बात करें सबसे पहले हाइट, हाइट जो है तो वो हाइट चाहिए होती है जनरल कैटेगरी वालों को, ध्यान रखें जनरल कैटेगरी, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वाले भी आप समझ लें, ठीक है, ओबीसी और एससी, इसके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना बहुत जरूरी है, 168 सेंटीमीटर हाइट ये मांगते हैं। और देखा जाए तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है, ठीक है। चलिए, और मेरा फाइनल क्वालिफाइड ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरी हाइट जो है वो कम है, 1.66 मीटर है, कह सकते हैं 166 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हाँ, अब हंसना नहीं है इस बात पे कि मतलब कि हाइट कम है, तो हाइट हमारी नहीं, कई लोगों की कम होती है और जिसके वजह से बाहर हो जाते हैं, कई बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है। तो मैं भी हो गया था, कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद 2017 भी मैंने क्वालिफाइड किया, लेकिन उसका फिजिकली देने नहीं गया था क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हाइट कम है, तो बस मैं केवल रिटन क्वालिफाइड करता हूं। इसके साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल भी क्वालिफाइड किया कई बार, लेकिन उसका फिजिकल भी देने नहीं गए क्योंकि हाइट कम पड़ जाती है, इस वजह से फिजिकल नहीं देते हैं, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि एक बेहतरीन सा टीचर बनना है मुझे, और उसकी तैयारी चल रही बेहतरीन तरीके से। और देखा जाए तो उस समय बीएड भी नहीं हुई थी, अब तो बीएड भी पास कर चुके हैं, साथ साथ में अभी जो 2021 और 2022 का जो टेट हुआ है और सुपर सी टेट हुआ है, दोनों को इसको भी क्वालिफाइड कर चुके हैं। अब बारी है सुपर टेट की, और सुपर टेट में झंडे गाड़ना है, ठीक है। तो हमारा तो इरादा मजबूत है, आप लोगों के लिए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, जो हाइट होनी है फीमेल कैंडिडेट की, बेटा जो हाइट होनी है वो होनी है कितनी, 158 सेंटीमीटर, कितना, 158 सेंटीमीटर। अब वही हम बात कर दें किसकी, वही बात हम करें तो चेस्ट की, बेटा चेस्ट की बात करें तो चेस्ट, ध्यान रखें तो यहां से बात करें चेस्ट की, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए चेस्ट जो है, और ईडब्ल्यूएस के लिए चेस्ट, ओबीसी के लिए और एससी के लिए, सबका जो चेस्ट है वो 81-86 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप बिना फुलाए उसको नफवाएंगे तो उस समय 81 इंच होना चाहिए। इसके साथ साथ देखा जाए 81-86 5 इंच जो है वो आपके फुलाव के साथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 इंच फुलाव के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, यहां से मेल कैंडिडेट के लिए और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी के लिए। बात करें अगर वही हम एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 76-81 इंच ये है, उसमें 5
इनसे इंक्लूड है किसका, फलाव के साथ। ठीक है, चलिए अब हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चेस्ट नहीं नापा जाता है। ठीक है, केवल उनके लिए क्या होता है तो हाइट होती है, हाइट का ही मेजरमेंट किया जाता है उनका। बाकी सारी चीजें जैसे ये क्वालिफाइड करेंगे आप, इन सारी चीजों को क्वालिफाइड करने के बाद फिर आपके पास आएगा रैंक वन के, जिसमें आपको क्या किया जाएगा, चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, और चॉइस फिलिंग के बाद आप फिर फाइनल आप वर्दी पहन चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपकी फिजिकल से रिलेटिव जानकारी है। कैसी आपको ये जानकारी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ भाई, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम आपको देंगे बिल्कुल सटीक और बेहतरीन जानकारी हर एक टॉपिक से, हर एक वैकेंसी से रिलेटेड। क्लियर भाई? चलिए तो मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।